हेलो किड्स, माई सेल्फ सत्वती सक्सेना, क्लास यू के जी, सब्जेक्ट इंग्लिश, ब्रह्मदास सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर, रामपुर। बच्चों, आज मैं आपको वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। अब ये हमारे हैं ओ एंड ई वन। वन मीन्स क्या होता है? एक। और मैनी मीन्स बहुत सारे, एम ए एन वाई, मैनी। अब ये मैनी हो गया सिंगलर, एस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगलर। और ये हो गया प्लूरल, यू आर ए एल, प्लूरल, प्लूरल। अब इसका ये हम भी लिखेंगे, इसका हो गया एक वचन, यह लिखेंगे, ये हो गया एक वचन, एक वचन, ये हो गया एक वचन, और ये हो गया बहुवचन। ये हो गया बहुवचन। अब ये, अब हमारे यहाँ फ्लोवर है, ये हमारा फ्लोवर है, ये वन फ्लोवर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया वन फ्लोवर, तो है आप फ्लो, यहाँ पर राइट करेंगे फ्लोवर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लोवर। ये फ्लोवर हमारा वन फ्लोवर है, तो हमारा ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोवर। अब ये हमारे हैं, अब यहाँ टू फ्लोवर, तो हम फ्लोवर ऐसे ही राइट करेंगे, ऐसे ही फ्लोवर, फ्लोवर लिखेंगे, इसमें एस लगा देंगे, एस और बढ़ जाएगा तो क्या हो गया? फ्लोवर्स। ये बहुत सा, एक से ज़्यादा होगा उसको प्लोर बोलते हैं, और जो बन होता है तो इसको बन बोलते हैं, इसको मैनी बोलते हैं। अब ये हमारी है पेंसिल, ये पेंसिल, ये पेंसिल है, ये बन पेंसिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ई एन सी आई एल, पेंसिल। ये हो गई हमारी पेंसिल। अब यहाँ इधर टू पेंसिल बनाएंगे, ये हो गई हमारी टू पेंसिल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई, ऐसे ही लिखेंगे पी ई एन सी आई एल। अब इसमें फिर एस लगा देंगे, ऐसे हमने ऊपर एस लगाया था, इसमें पेंसिल, ऐसे। यह हो गया, ये प्लोर हो गया, ये मैनी हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर, ये पेंसिल टू पेंसिल है ये, तो ये हो गई बहुत सारी पेंसिल, तो पेंसिल्स। ये बन पेंसिल में हम खाली बोलेंगे पेंसिल, और ये ज़्यादा है तो इसमें पेंसिल्स। इसी तरह हम एपिल बनाएंगे, एपिल, ये हमारा हो गया एपिल, यहाँ पर राइट करेंगे एपिल, ए डबल पी एल ई, दिस इज एपिल, ये बन एपिल है तो ये एपिल है। और यहाँ पर बन से ज़्यादा जो होते हैं, यहाँ पर थ्री एपिल कर देंगे, तो ये यहाँ पर क्या राइट करेंगे? यहाँ पर करेंगे एपिल्स, ए डबल पी एल ई एस, इसमें एस लगा देंगे, ये हमारा बन गए एपिल्स। ये हो गए हमारे प्लोरल, ये हो गए सिंगलर, और मैं हो गए बन, और ये बहुत सारे प्लोरल, तो इसमें एस लगा देंगे। अभी हम ऐसे ही हम यहाँ पर काइट, काइट बनाएंगे, के, ये हमारी बन काइट बन गई, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? यहाँ पर करेंगे काइट, के आई टी, काइट। ये हमारी दिस इज काइट, ये बन काइट है, तो हम काइट, ये हमारी बन है तो काइट बोलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी काइट बनाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे ही राइट करेंगे, ये टू थ्री काइट बनाएंगे, बनाएंगे तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? यहाँ पर इसी तरह से पहले काइट लिखेंगे, के आई टी, अब इसमें एस लगा देंगे, ये हो गया काइट्स। इसी तरह से हम बॉल बनाएंगे, बॉल, ये है, ये बन बॉल है, तो ये बन है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? बॉल, ये तो ऐसे बोलते हैं बॉल, आप खेलते हैं बॉल। अब यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स हैं, यहाँ पर बॉल्स, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? यहाँ पर राइट करेंगे बॉल्स, बी ए डबल एल एस, ये हो गई बॉल्स। इसी तरह ये हमारा क्या हो गया? ये बन फ्लोवर है,
तो फ्लोवर लिखेंगे। ये टू फ्लोवर है बहुत सारे, तो इसमें फ्लोवर्स एस लगा देंगे। ये पेंसिल है तो पेंसिल लिखेंगे। यहाँ बहुत सारी हो गई तो पेंसिल से लिख लेंगे। और यहाँ पर एपिल है तो बन एपिल है तो एपिल। और ये कई एपिल है बहुत सारे तो एपिल से एस ही लगा देंगे, इसमें एस लगाएंगे। ये काइट है तो काइट लिखेंगे। ये काइट बहुत सारी है तो इसमें एस लगा देंगे। इसी तरह एस लगाना सीख जाएंगे। और ये बॉल है, बन बॉल है तो बन लिखेंगे। ये बहुत सारी बॉल्स हैं तो एस लगा देंगे, बॉल्स हो गई। इसी तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको अगली वर्कशीट सिखाऊंगी। बच्चों ये आपकी दूसरी वर्कशीट है। यह है बन, यहाँ लिखेंगे मैनी, ये मैनी। अब यहाँ है सिंगलर, SINGULAR सिंगलर, और PLURAL सिंगलर। चेयर, यहाँ पर है चेयर, CHAIR चेयर। अब हम चेयर को ये मैनी में कैसे लिखेंगे, अभी आपने लिखा था पीछे सीट में, आपको बताया था। तो अब इसमें लिखेंगे CHAIRS, यहाँ पर एस बना देंगे। ये हो गया चेयर्स, ये हो गया प्लोरल। ये मैं बन है, ये मैनी हो गया, ये चेयर्स। अब इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे बॉय, BOY बॉय। अब बॉय में क्या करेंगे, अब फिर ऐसे ही लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे BOY बॉय, फिर इसमें एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज। अब इसमें अब यहाँ पर लिखेंगे बेल्ट, BELT बेल्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें है लिखेंगे बी, इसमें फिर उसी तरह से हम एस लगा देंगे, BELTS, ये हो गया बेल्ट्स। अब यहाँ पर करेंगे शर्ट, SHIRT शर्ट, यहाँ पर शर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही शर्ट लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे SHIRT शर्ट। अब क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लगाते आ रहे हैं, यहाँ पर एस लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे एस लग गया। अब यह है फैन, FAN फैन। फैन, एक फैन को हम खाली फैन बोलेंगे, और बहुत सारे फैन होंगे तो हम क्या बोलेंगे, फैंस। अब यहाँ पर बनाएंगे FANS, ये हो गया फैंस। ये हमारी एक चेयर है, बन चेयर है तो चेयर बहुत सारी चेयर हो गई तो चेयर्स। ये बॉय, बन बॉय है बॉय, और ज़्यादा बहुत सारे बॉय है बॉयज। बेल्ट, बन बॉय बेल्ट है तो बन बेल्ट, बहुत सारी बेल्ट है बेल्ट्स। अब ये शर्ट, अब यहाँ हो गए शर्ट, एस लगा देंगे। ये फैन है तो फैंस हो गए। अब इसी तरह हम लॉयन लिखेंगे, LION लॉयन। अब बन लॉयन है तो हम लॉयन बोलेंगे, और बहुत सारे लॉयन है तो क्या मतलब बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे, एस लगा देंगे, लॉयंस हो गए। अब ऐसे ही एपिल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे APPLE एपिल, ये हो गया एपिल। ये बन एपिल के लिए है। अब बहुत सारे एपिल हैं तो क्या लिखेंगे, APPLES, ये हो गया एपिल। ये हमारे प्लोरल हो गए। अब इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर CAP कैप, ये बन कैप है तो कैप बोलेंगे। अब बहुत सारी कैप के लिए क्या बोलेंगे, कैप्स, CAPS कैप्स, ये हमारी हो गई कैप। अब यह है, अब यहाँ पर बॉल लिखेंगे, यहाँ पर बोलेंगे BALL बॉल, ये हमारी हो गई। आगे हम क्या बोलेंगे, यहाँ BALLS बॉल्स। इसी तरह हम अपने देखेंगे, ये चेयर है, एक बन चेयर है तो चेयर, बहुत सारी चेयर है तो एस लगा देंगे चेयर्स। ये बॉय है तो बॉय लिखेंगे, अब बहुत सारे बॉय हैं तो एस लगा देंगे बॉयस। बेल्ट है तो बेल्ट, और बहुत सारी बेल्ट है तो एस लगा देंगे। शर्ट है तो ऐसे शर्ट लिखेंगे। और यहाँ पर
इसी तरह से यहाँ लिखेंगे एस लगा देंगे। ये फैन है तो फैन लिखेंगे, इसमें एस लगा देंगे। लॉयन है तो इसमें भी बहुत सारे लॉयन है तो एस लगा देंगे। एपिल बन एपिल है तो एपिल बोलेंगे, बहुत सारे एपिल है तो एपिल्स एस लगा देंगे। कैप बन कैप है तो कैप बोलेंगे, बहुत सारी कैप्स हैं तो एस लगा देंगे। बॉल है बन बॉल है तो बॉल लिख बोलेंगे, और बहुत सारी बॉल्स हैं तो बॉल्स एस लगा देंगे। इसी तरह ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। मैं आगे आपको और दूसरी वर्कशीट सिखाऊंगी। बच्चों अब मैं आपको ई एस के बारे में बताऊंगी। जैसे जब कोई बर्ड ई एस, ये है ई एस, जैसे एस आपने लगाना सीखा था ऐसे ही अब ई एस लगाना। जब कोई बर्ड एस, बर्ड में बर्ड के लास्ट में एस या ओ या डबल एस या एक्स या एस या एस एच या सी एच, सी एच आता है तो सी एच लास्ट में ख़त्म होता है जिस वर्ड के, तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे जैसे गैस है, गैस जी ए एस, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें इसके लास्ट में आ रहा है एस, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जी ए एस ई एस, गैस हो गया। इसी तरह से हम गैस लगाएंगे। अब यह है टोमाटो, ये टी ओ एम ए टी ओ, ये टोमाटो हो गया, तो इसमें ओ आ गया लास्ट में, ये ओ आ गया लास्ट में। इसी तरह हम इसमें इसमें भी लिखेंगे टी ओ एम ए टी ओ। अब इसमें क्या लगाएंगे, ई एस, इसमें भी ई एस लगा देंगे, इसमें ई एस लगाए क्योंकि लास्ट में ओ आ गया। अब इसमें जैसे ओ आया इसमें लास्ट में, इसमें एस आया जी, हमने बताए थे आपको। अब यह है इस यहाँ लिखेंगे, ये क्या है, यह है बॉस, बी ओ डबल एस, इसमें डबल एस आ गया तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसी तरह से अब यहाँ पर लिखेंगे बी ओ डबल एस, अब इसमें क्या लगाएंगे, ई एस, इसमें भी ई एस लगाएंगे। इसी तरह हम लगाते आ रहे हैं, इसी तरह ई एस लगाएंगे। अब ये है यहाँ पर लिखेंगे बिस, अब ये है डब्लू आई एस एच, बिस हो गया, तो इसमें लगाएंगे, इसमें भी लास्ट में क्या आया, एस एच आया, तो हम इसमें डब्लू आई एस एच, अब क्या लगाएंगे, ई एस, इसमें भी ई एस लगाएंगे क्योंकि इसमें लास्ट में ई एस, इसमें हमने दिया था एस एच आया है, तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स के लास्ट में क्या आया, एक्स ही है तो फॉक्स ही लास्ट में एक्स एक्स आया, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ओ एक्स, एक्स आया तो इसमें क्या लिखेंगे, ई एस, इसमें ई एस बनाएंगे। अब यह है मैच, एम ए एम ए टी सी एच, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी हम ई एस लगाएंगे, एम ए टी सी एच, तो इसमें क्या लगाएंगे, ई एस, जैसे हम लगाते आए इसी तरह से हम इसमें भी ई एस लगाएंगे। अब यह है, अब यह है लंच, एल यू एन सी एच, इसमें भी सी एच आया तो इसमें हम लगाएंगे, इसमें भी जैसे हम अभी लगाते आ रहे हैं ऐसे ही इसमें भी लगाएंगे, एल यू एन सी एच, अब यहाँ ई एस, लंच हो गया ये इसमें। और यह है बूफेलो, अब यह है बी यू डबल एफ ए एल ओ, लास्ट में क्या आया, ओ, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी हम लगाएंगे ई एस, बी यू डबल एफ ए एल ओ, अब इसमें ई एस। इसी तरह ये बर्ड भी कंप्लीट करते हैं, इसी तरह आप ये बर्ड कंप्लीट करना है। देखो गैस है, एस लास्ट में आया तो इसमें ई एस लगाया, टोमाटो में ओ लास्ट में आया तो ई एस लगाएंगे,
बॉस में डबल एस आया तो ई एस लगाएंगे, या बर्ड मैंने लिख दिए हैं इसमें जो जो लास्ट में वर्ड आएंगे उसमें सब में ये ई एस लगेगा। डब्ल्यू आई एस सी एस एच है, इसमें एस एच लास्ट में आया तो इसमें ई एस लगाएंगे। फॉक्स में एक्स आया तो इसमें ई एस लगाएंगे। मैथ्स में सी एच आया तो इसमें भी एस लगाएंगे। लंच में सी एच आया इसमें भी एस, इसमें ओ आया इसमें भी एस लगाएंगे। आपकी ए पी वाली भी सीट कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक सीट और बताऊँगी। थैंक यू बच्चों।